मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के। नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे नवरात्रि स्पेशल स्नैक्स। बहुत ही टेस्टी स्नैक्स होगा जो कि आपको रोज के खाने से थोड़ा सा अलग लगेगा, थोड़ा सा चटपटा होगा। तो देखते हैं इसे बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। नवरात्रि स्पेशल स्नैक्स बनाने के लिए हमें चाहिए पनीर, आलू, हरा धनिया, नमक, लाल मिर्च, अमचूर पाउडर, इमली की मीठी चटनी और सील की फूल। आइए बनाना शुरू करते हैं अपनी स्नैक्स। इसके लिए हमने आलू लिया है। आलू को हमने धोकर छील कर दोबारा से धो लिया है। इसको अब हम काटेंगे इस तरह से, बीच में से काट देंगे, बीच में से कुछ इस तरह से। हमने इस रूप से नहीं काटना है, हमने इस तरह से बीच में से काट लेना है। अब हम क्या करेंगे कि इस आलू की जो है बीच में से फॉलो कर देंगे, इसको इस तरह से इसका गूदा निकाल लेंगे, ये कुछ इस तरह से। हमने जो ये चौड़ाई है बहुत ज्यादा कम नहीं करनी है, सिर्फ हमने बीच में से गूदा निकालना है। स्पून की हद से हमने इस तरह से निकाल लेना है। बड़े ध्यान से निकालेंगे ताकि हमारे आलू जो है गलत तरफ से कट ना जाए। हमने इसको बीच में से बिल्कुल फॉलो कर लेना है। बड़ी आसानी से हो जाते हैं, बस ये है कि थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। हमने रिफाइंड ऑयल को कढ़ाई में गर्म करने के लिए रख देना है इसके साथ। तो ये आप देख सकते हैं, इसको हमने बिल्कुल बीच में से जो है फॉलो भी कर दिया है और साइड में से ये जो है थोड़ा सा हमने चौड़ा ही रखना है, बहुत ज़्यादा इसको जो है निकाल नहीं देना है। तो इस तरह से हमने इसको फॉलो कर देना है। दूसरा भी हम इसी तरह से करके रेडी कर लेंगे। सारे हम आलू जो है इसी तरह से बीच में से हॉलो कर देंगे। तो दोनों आलू आप देख सकते हैं, इस तरह से हमने बीच में से गूदा निकाल कर इसको हॉलो कर लिया है। और ये हमारा जो आलू बचे हैं, या तो आप इसको बिल्कुल बारीक बारीक कर कर बिल्कुल, या इसको ग्रेट करके, या इसको बिल्कुल चक्कू के साथ, नाइफ के साथ बिल्कुल बारीक काट लें और इसको फ्राई करके अपनी फिलिंग में डालें। नहीं तो आप इसको किसी भी फॉर्म में यूज करना चाहें आप कर सकते हैं। तो करते हैं हम अगला स्टेप, चलते हैं। रिफाइंड ऑयल को हमने गर्म कर लिया है। हमने बिल्कुल हल्की गैस पे हल्के रिफाइंड ऑयल को गर्म करना है, क्योंकि हमारा आलू जो है कहीं कहीं से मोटा है तो इसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से इसको हम इस तरह से बीच में डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि गैस जो है मैंने बीच में से बंद कर दी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। इसको दोबारा ऑन कर देते हैं, गैस को हल्का ही रहने देंगे। ये सारे आलू जो है हम इसी तरह से डाल देंगे और इसको पलटते रहेंगे, हिलाते रहेंगे ताकि ये सारे तरफ से गल जाएं और गोल्डन ब्राउन हो जाए, लाइट गोल्डन ब्राउन हम इसको करेंगे। इसी तरह से हिलाते रहेंगे और गैस को बिल्कुल हल्का रखेंगे। जितनी देर हमारे ये गोल्डन ब्राउन हल्की गैस में हो रहे हैं उतनी देर हम इसकी स्टफिंग बनाकर रेडी कर देते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए हमने एक पैन ले लिया है, गैस पर रख दिया उसको। अब हम इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल हम डालेंगे तकरीबन छोटे 4 चम्मच। तो ये डाल दिया हमने रिफाइंड ऑयल। अब हम डालेंगे इसमें अपने थोड़े से मसाले। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें नमक तकरीबन 1/3 स्पून। गैस को बिल्कुल हल्का रखेंगे। इसमें डाल लेंगे अपनी लाल मिर्च 1/2 चम्मच और इसको हिला लेंगे। इसमें डालेंगे धनिया पत्ती और इसमें डालेंगे अपना उबला हुआ 1 आलू। ये हमने उबाल कर मैश कर लिया है, 1 आलू डालेंगे और इसमें डालेंगे पनीर। पनीर को हमने कद्दूकस करके रखा हुआ है पहले से, तो वो पनीर हम डाल देंगे इसमें। इसको अच्छे से हिला लेंगे। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा हम अमचूर पाउडर, बिल्कुल 1/3 स्पून डालेंगे। 1/3 स्पून से भी थोड़ा कम डालें, ज्यादा खट्टा नहीं पसंद करते हैं, तो चटके भर अमचूर डालें। हरा धनिया थोड़ा और इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। हम पोटैटो मैशर की हेल्प से हम इसको थोड़ा सा इस तरह से मैश करेंगे अच्छे से। आलू के पीसेस मोटे नजर नहीं आने चाहिए, बिल्कुल अच्छे से हमें मैश कर लेना है।
तो ये हमने कर लिया मैश। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्ची डाल सकते हैं, अगर आप पसंद करते हैं तो आप इसमें आधी हरी मिर्ची डालें और इसको एक बार फिर अच्छे से हिला लें। तो ये हमारा स्टफिंग तो बनकर हो गई रेडी। गैस को कर देते हैं नीचे से बंद और अपने जाते हैं आलू की जो हमने कप्स बनाए हैं उसकी तरफ। आप देख सकते हैं किस तरह से ये इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है, हमने लगातार इसको हिलाया है, गैस को बिल्कुल हल्का रखा है। अब थोड़ा सा इसमें नाइफ डालकर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट होने लगा है। देखिए आप अंदर जाने लगी है, मतलब कि ये सॉफ्ट हो गया है। आपको मैं दिखाती हूँ पास से, ये देखिए आप अंदर आराम से जा रहा है, मतलब कि आलू जो है हमारा सॉफ्ट हो गया है। थोड़ा सा गैस को तेज कर लेंगे और थोड़ा सा कलर चेंज होने तक इसको पकाएंगे, सिर्फ एक मिनट के लिए और रखेंगे और फिर इसको जो है हम निकाल लेंगे टिश्यू पेपर में। अच्छे से रिफाइंड ऑयल बीच में से निकालते हुए हमने ये जो है टोकरियाँ बनाई हैं इसको निकाल लेते हैं और टिश्यू पेपर के ऊपर रख देते हैं। इस तरह से उल्टी करके निकालेंगे ताकि जितना भी इसमें एक्सेस ऑयल हो वो निकल जाए। तो ये हम इस तरह से रखेंगे, एक से दो मिनट तक हम इसको इस तरह से रखेंगे ताकि इसमें जितना भी एक्सेस ऑयल है वो अच्छे से निकल जाए। उसके बाद हम इसको खोलेंगे, इस तरह साइड इसकी चेंज कर लेंगे। अभी ये बहुत गर्म है, थोड़ा सा ध्यान से करें ताकि आपको ज़्यादा गर्म ना लगे। अभी हमारे पास एक कटोरी में इमली की चटनी है और एक में ये सील वाली फुलियाँ हैं। अब हम क्या करेंगे कि अपना ये आलू लेंगे, इसको इस तरह से डिप करेंगे और निकाल लेंगे। इसके साथ ही हम इसको इसमें डिप करेंगे और इसको निकाल कर अपनी प्लेट में रख देंगे इस तरह से। आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसी तरह से हम अपने सारे आलू रेडी कर लेंगे। ये आलू लेंगे, कटोरी इसमें डिप करेंगे, इसके बाद इसमें डिप करेंगे अच्छे से। ये देखिए कितना बढ़िया ब्यूटीफुल लग रहा है। इसी तरह हम सारे जो है रेडी कर लेंगे करके। चटनी में पहले डिप करेंगे, इसको इसमें डिप करेंगे और ये रेडी। अब ये कटोरी के अंदर हम करेंगे अपनी फिलिंग। फिलिंग बहुत टेस्टी हमारी बनी है, इसको बड़े ध्यान से हमने जो है फिल करना है। आप चाहें तो फिलिंग को हाथ में लेकर इस तरह से फ्लैटन कर सकते हैं और बड़े ध्यान से इसको इसके अंदर फिट कर दें कुछ इस तरह से। ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से फिट हो गई है। इसी तरह अपने हाथ में लें थोड़ी सी फिलिंग, इसकी हल्की सी ओवल इस तरह से बॉल बनाएं और ये इस तरह से फिल कर दें। तो सारी हमने इसी तरह से कर रेडी कर लिए। फिलिंग आप अपने टेस्ट अनुसार नमक मिर्च उसमें डाल सकते हैं, थोड़ा सा तीखा रखेंगे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये हमने फिलिंग कर दी इसकी, बहुत ही इजी है बनाने, बहुत ही जल्दी आपने देखा बनकर रेडी हो जाते हैं और देखने में तो ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। खाने में ये उतने ही टेस्टी हैं, सभी को आलू बहुत पसंद आते हैं। तो ये हो गई हमारी रेडी, इसको अब हम करेंगे सर्व। बहुत ही बढ़िया हमारी पोटैटो बास्केट बनकर रेडी हुई है, बहुत टेस्टी बनी है। आप इसे ज़रूर मेरी रेसिपी से ट्राई करें और अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।